चीजें हैं। सबसे पहले जो हमारा यूपी चेकअप्स का बजट है, ये 37,000 स्कीम्स का है, उसमें आपने इंश्योर करना था कि टाइमली उसकी टेंडरिंग हो, उसकी अलॉटमेंट हो, वर्क का कमेंसमेंट हो, और जैसे नीति आयोग की रिसेंटली मीटिंग हुई उसमें आउटकम का बताया गया कि आपको बताना है कि किस प्रोजेक्ट से बेनिफिट क्या है। डिपार्टमेंट यहाँ जो जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को ग्रीन करेगी उनको सभी को हमने जो है पैसे जो है रिलीज कर दिए। जो भी यूटी आप कुछ अर्जेंट बात कर रहे हैं क्योंकि यूथ की जो डिमांड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो बोर्डिंग से बिल्डिंग नहीं चाहिए उनको। के एस ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तहसीलदार, वीडियो इनको कहें कि भाई एक एक स्कूल के पकड़ लें, उसमें प्लानिंग में वो हेल्प करें, सतार साहब हेल्प करें इसमें। यूथ काउंसलिंग सेंटर्स तो सर इसका भी अगर कोई कुछ हो जाए ताकि वो कुछ देर तक अगर वो रजिस्टर्ड है उनको काउंसलिंग सेंटर की तरह एक लुक देना और फर्नीचर लगाना वो कर रहे हैं। कभी साहब इसमें इस तरह की डीसी पुलवामा ने जो लाइब्रेरी और वो कोचिंग सेंटर वगैरह के लिए वो जो आपका यूथ सेंटर है उस किस्म की चीजें कर रहे हैं, बढ़िया सी लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर वगैरह वो चीजें करवा रहे हैं, प्रेफरेबली हर जगह हो जाए मेंडर में। ये बस इमीडिएटली देखेंगे मिशन यूथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए फंड्स की शॉर्टेज अभी नहीं है। ये सर नहीं सर मुश्किल से हो जाएगा, मार्च तक ही हो जाएगा, मार्च तक कर लेंगे। मतलब आपकी जनरल मीटिंग थी रिव्यू करने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है, जो प्लानिंग है वो किस लेवल पे है। काफी सेक्टर्स में अच्छा काम भी हो रहा है, डीसी साहब बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, और कुछ सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट की जहाँ जहाँ जरूरत है वो डिस्कस किया गया है। इसके अलावा ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे दी गई है, लगभग 35 करोड़ के नए काम जो है उनके लिए फंडिंग इस साल रिलीज की है। नया मॉडल स्कूल, एक रेजिडेंशियल स्कूल पूंछ के लिए डिस्कस किया गया है यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके अलावा अराउंड 15 करोड़ इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पैसा यहाँ दिया गया है, डिफरेंट स्कूल्स के लिए, डिफरेंट जो स्मार्ट स्कूल्स हैं उनके लिए, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 6 क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज हैं, लगभग 4.5 करोड़ स्कॉलरशिप की स्कीम है। इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं बीएडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी हैं कुछ जो नई डिमांड्स थी उनको भी सेंक्शन करने का डिस्कस किया गया, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले महीनों में